आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो सुन के आपका जीवन बदल जाएगा। ब्रायन सीगल ऑथर है यूएस के, जिन्होंने किताब लिखी है पीस लव एंड हीलिंग, और इतनी शानदार किताब लिखी। और उस किताब में जो यूएस में जो भी ट्रू जो भी चीज अच्छी अच्छी चीजें हुई है उन्होंने उसमें उन लोगों को प्राइम टीवी पे लाके दिखाया। पहला किस्सा यह हुआ कि एक 75 साल की लेडी जिसके लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में रहती थी, उसके घर के पास में कैंसर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो उसके मन में आया कि मैं कुछ न कुछ लोगों की सेवा करूं, इस प्लेनेट को कुछ देके जाऊं। तो वो हॉस्पिटल गई और डॉक्टर्स को बोला कि मुझे आप क्रिटिकली इल पेशेंट्स के फोटो दीजिए, मैं उनके लिए प्रेयर करती हूं। तो डॉक्टर्स ने भी बोला अच्छी बात है, आप एक काम कीजिए। उन्होंने फोर्थ स्टेज कैंसर के 4 पेशेंट्स के फोटो दिए। उस लेडी ने क्या किया, उनका जो मंदिर है जो भी है उसके अंदर रखा और कंटिन्यू 40 दिन तक वो उनके लिए प्रेयर करती रही कि भाई इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान परमात्मा इनका भला करना, ये ठीक हो जावे, इनका परिवार आबाद रहे। और वो अपने आप को विजुलाइज करती रही कि मैं एक डॉक्टर बन गई, मैं डॉक्टर बन गई और मैं उनके शरीर में प्रवेश कर गई और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है और मैंने धीरे धीरे करके कैंसर के सेल सब इकट्ठे करके बाहर निकाल दिए। ऐसे वो 40 दिन तक बड़ा प्यार से विजुलाइज करती रही। 40 दिन के बाद वो हॉस्पिटल पहुंची और बोली कि मेरी प्रेयर तो हो गई, कैसे हैं? तो बोले वो तो 4 पेशेंट आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वो सी वाज सरप्राइज, और डॉक्टर्स को भी पूछा, बोले हमको मालूम नहीं क्या हुआ, हमको मालूम नहीं। और उसके बाद आप ताज्जुब करेंगे, 36 पेशेंट उस हॉस्पिटल से ऐसे विदा हुए हैं। तो ये अमेरिकन प्राइम टीवी पे बकायदा उन लोगों को पेश किया गया और करोड़ों लोगों ने उनको देखा। दूसरा किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, न्यूयॉर्क में एक बंदे का हाथ ट्रक के नीचे आ गया और उसके पूरा का पूरा हाथ की बोन्स पूरी टूट गई। तो वो जो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई ये बोन्स को मैं ठीक नहीं कर सकता, या तो आपको काटना पड़ेगा या उसको एज इट इज रहना पड़ेगा। पर वो बंदा है ना ऊपर वाले में बहुत विश्वास करता था। तो वो बंदे ने क्या किया कि गया अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट वो जो दे रहे थे वो कंटिन्यूस रखा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और वो सीधा रोज या हाथ को रखे और विजुलाइज करने लगा कि भगवान नीचे आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं और मेरे उंगलियां ठीक कर रहे हैं, मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे को बैंडेड बांध रहे हैं और मैं बोल रहा हूं मेरे को पेन हो रहा है आप ठीक करो। धीरे धीरे करके वो सवा घंटा डेढ़ घंटा जो भी होता वो रोज का कार्यक्रम उसका, फिर सेकेंड डे विजुलाइज करता, डॉक्टर आए व्हाइट अपरल पहने, स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं और मेरे काउ कर, और ये बोल रहा है मेरे को पेन हो रहा है। ऐसे वो 40 दिन तक करता रहा और आप ताज्जुब करेंगे, यू विल बी सरप्राइज, एट द एंड ही वॉज एबल टू लिफ्ट 20 किलो का वजन उसने उस बंदे ने हाथ से उठा लिया। लोग सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया। तो ये माइंड कनेक्शन विद गॉड कनेक्शन है। आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है चलने दीजिए, पर जो प्रार्थना का एलिमेंट है ना उसको जरूर जोड़िए। प्रार्थना है ना आपके जो ब्लेसिंग्स मिलती है जीवन में, जितनी ब्लेसिंग्स आप जोड़ सकते हैं ना जोड़िए, वो ब्लेसिंग ही आपके काम आएगी। और ये जो प्रार्थना का जो एलिमेंट है ना ऊपर वाले को याद करते रहिए, वो जरूर आपके काम आएगा। तो ये जो ब्रायन सीगल ने साबित करके दिखाया है कि माइंड इज कनेक्टेड विद गॉड।